तो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया का MSW का 2024-25 का पेपर। ये हम सॉल्व पेपर आपके साथ शेयर करेंगे जो कि जामिया की आंसर की के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब कि इसके अंदर बताए गए सभी आंसर्स एकदम 100% एक्यूरेट है, क्योंकि हम जामिया की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ये आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, विच वन इज़ नॉट अ मिलीनियम डेवलपमेंट गोल। इसका सही जवाब ऑप्शन सी एक्सेस टू बेसिस कम्युनिकेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDVA एक्ट रेफर्स टू। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, स्टॉपिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। थर्ड क्वेश्चन है, गांधीयन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल है। क्वेश्चन नंबर फोर, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी असेसमेंट एम्स टू मेजर द। इसका सही जवाब ऑप्शन ए नॉन इनकम बेस्ड डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी है। क्वेश्चन नंबर फाइव, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी डैश अ कॉन्ट्रोवर्सी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इनटू अ कॉन्ट्रोवर्सी है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट डैश अदर वर्क। इसका सही जवाब ऑप्शन बी विद अदर वर्क है। इसके बाद, द महात्मा वॉज मॉर्न्ड बाय ऑल हिज फॉलोअर्स। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, डेथ। द फेट ऑफ द कन्विक्ट डिपेंड ऑन द वर्डिक्ट्स ऑफ द। इसका सही जवाब ऑप्शन बी ज्यूरी है। कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन ये पहले भी रिपीट हो चुका है MSW में। इसके बाद, द वेदर इज डैश वी शुड गो फॉर अ वॉक। इसका सही जवाब ऑप्शन ए प्लीजेंट है। डैश हाउ डर्टी यू आर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। द ट्रेन डैश द प्लेटफॉर्म एंड आर एगो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, लेफ्ट, केवल लेफ्ट आएगा। I am a student who always dash the teacher. तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, respects the teacher. S आएगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग मी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं इसमें। ये जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप लाइन से यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है। इसके बाद फिर ये दो नए क्वेश्चन हैं और फिर ये यहाँ पर रिपीट है। कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएंगे अगर आपने दोनों के सही टिक लगाए होंगे। दोनों को छोड़ दिया होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर आपने दोनों के सही लगाए होंगे तो नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं डायरेक्ट अब हम। ये है यहाँ पर, शी टोल्ड मी दैट शी डैश इल फॉर 6 days। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, हैड बीन इल फॉर 6 days। क्वेश्चन नंबर 16, ही सेड दैट He dashed the party tomorrow. इसका सही जवाब ऑप्शन बी would not attend the party है। Nancy has already deposited her examination fee. She dash not worry anymore. तो she need not to worry anymore. Not worry anymore. Option A is the right answer. Question number 18 दोबारा से रिपीट हुआ है, इसको नहीं देखते, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपके ग्रामर के क्वेश्चन थे और अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन। तो विद विच ब्रांड वुड यू आइडेंटिफाई द फेमस टैग लाइन थिंक डिफरेंट। किसकी टैग लाइन है? तो ये ऑप्शन बी एप्पल की टैग लाइन है। अब आप क्योंकि अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो लोग, तो वो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, नोट्स इस तरह बनाएंगे कि उन्हें एप्पल की टैग लाइन तो पता चल गई, बट वो साथ में इसके सामने गूगल की भी लिखेंगे, विप्रो की भी लिखेंगे, IBM की भी लिखेंगे। हो सकता है आने वाले सालों में इससे सवाल आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटैलिटी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट द कंस्टिट्यूट द एनवायरनमेंट रेफर्स टू। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है, हैबिटेट। आगे क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, जिसका सही जवाब ऑप्शन सी राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया इज हाउ मैनी रामसर साइट्स इन जनवरी 2024। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 80 साइट्स। करंट अफेयर से सवाल है, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने जनवरी 2024 का पूछा है, मतलब इतना रिसेंट। तो मई जून में आपका पेपर हो रहा है, जनवरी तक के करंट अफेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इस चीज़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू एड्रेस द डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड पुडुचेरी। द बेनिफिशरीज ऑफ पोषण अभियान आर। किसका फ़ायदा होता है पोषण अभियान को, का मतलब किन लोगों को? तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, यानी कि जो सही जवाब हुआ वो है ऑप्शन डी। तो एडोलसेंट गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन अप टू द ईयर एज ऑफ 6 years, सबको फ़ायदा होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन रिवॉल्यूशन कृष्णोन्नति योजना एम्स एट। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। डैश इज द फोकल पॉइंट
फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो भाई इसका सही जवाब आंगनवाड़ी ऑप्शन बी है, यही स्कीम है जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज इज आ, तो ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती हैं हेल्थ सर्विसेज जो ये निकालता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये क्या होती हैं? तो उसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं, ठीक है, सोशली आपको सिक्योर करती हैं। अपेक्स बॉडी फॉर असेसमेंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन इंडिया इज, तो उसका सही जवाब 28 का ऑप्शन सी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो सारा पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल करता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना इज आ, ये कौन सी योजना है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, ये भी आपका यहाँ पर क्या है कि सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम है, ये भी आपको सोशली सिक्योर कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के लिए स्कीम निकाली है, कौन सी है बताइए? तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो पहली वाली तो स्पेशल नीड के लिए है, डिसेबल लोगों के लिए है। अगला लाडली स्कीम है, तो नाम से लग रहा है कि लड़कियों के लिए होगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो बच्चा पैदा होने के बाद कितने साल जी सकता है, उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड एज क्या है, उससे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। इस तरह का सवाल आता है सोशल वर्क में, तो आपको पढ़कर जाना है कि IMF क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, MMR क्या है, ठीक है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट क्या है, और जो ओवरऑल है वो सब आपको देखकर जाना है। नेम द गवर्नमेंट स्कीम मीन फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। विच वॉट इज़ वन स्टॉप सेंटर, तो ये वन स्टॉप सेंटर क्या है? तो ये ऑप्शन सी है, ये वुमेंस के लिए है, ठीक है, कि स्कीम टू प्रोटेक्ट वुमेन अफेक्टेड बाय जेंडर बेस्ड वॉयलेंस, तो ऐसी महिलाओं के लिए जिनके साथ इनइक्वालिटी हुई है, जेंडर बेस्ड वॉयलेंस हुआ है, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर एक स्कीम बनाई गई है। फाउंडर ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगठन, अ मूवमेंट दैट फाइट फॉर द राइट ऑफ वर्कर्स एंड फार्मर्स, किसने शुरू कराई है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अरुणा रॉय ने, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल इज क्या है ये? तो 36 का सही जवाब ऑप्शन ए है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू युवा केंद्र इज टू, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, टू इन्वॉल्व द रूरल यूथ इन नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज। द सिनोनियम ऑफ हेड स्ट्रॉन्ग इज, इसका सिनोनियम है सेल्फ विल्ड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, द एंटोनियम ऑफ नेव इज, 39 का सही जवाब ऑप्शन बी जेंटलमैन है। द सिनोनियम ऑफ एक्चुएट इज, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, टू इंड्यूस। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर एंटोनियम पूछा है, अपोजिट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब डी इग्नोर है। क्वेश्चन नंबर 43, मार्जिनल का जो एंटोनियम है ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर एंटोनियम सिनोनियम आ गए, शुरू में ग्रामर थी और अब पेपर के मिड में यहाँ पर ग्रामर पूछी गई है। 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर इसके अंदर आती है। अब आ जाते हैं रीजनिंग के सवाल, तो हम इसके आंसर्स आपको बता देंगे, केवल आप उनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, और अगर आपने पेपर दिया तो आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी 1 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब ऑप्शन ए 2394 है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब ऑप्शन बी ग्रैंडफादर है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब ऑप्शन सी ए ए बी ए ए है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही जवाब ऑप्शन डी क्लोराइन है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब ऑप्शन ए गार्ड है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब ऑप्शन डी 32nd है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब ऑप्शन ए 18 है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही जवाब ऑप्शन बी 841 है। क्वेश्चन नंबर 53, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, जिसका सही जवाब ऑप्शन डी है, फ्राइडे, राइट, ठीक है, फ्राइडे इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब ऑप्शन बी 9th है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन ए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब ऑप्शन डी है, लव एंड अफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन सी है, OTAETNR। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन बी येलो है। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशन भी, जिस स्टूडेंट का ये पेपर है उसने दिखाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा इससे भी आइडिया ले सकते हो क्योंकि उसने सही टिक लगाया है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब ऑप्शन बी है अगेन। और क्वेश्चन नंबर 62 का, यहाँ पर उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी से एक सवाल देते ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब भी ऑप्शन ए ही है। अब यहाँ पर दोबारा से आपके जीके के सवाल आ गए हैं, अ सोशलिस्ट स्टेट एम्फेसाइजेज ऑन, तो 64 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 65, द डबल रेनफॉल पीक्स इज़ द एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसका सही जवाब भी ऑप्शन डी, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इसके बाद विच वन पीएफ ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड, इसका सही जवाब ऑप्शन बी, रोड एंड रेलवेज है। क्वेश्चन नंबर 67, निर्विक स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पीरियोडिकली, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालती है रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन ई मार्केट प्लेटफॉर्म टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडियन फार्मर एंड इट्स फूड इंडस्ट्री, तो 69 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए, UAE ने ये ऐसा एप्लीकेशन निकाला है। विद रेफरेंस टू द चोला पीरियड द टर्म, ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, वॉज एसोसिएटेड विद, तो 70 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, नालाबाना आइलैंड इज लोकेटेड इन, तो नालाबाना आइलैंड जो है वो आपका ऑप्शन बी, उड़ीसा में लोकेटेड है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्ड बाय, ऑप्शन सी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 73, द अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इज क्वेश्चन्ड बाय द रिट ऑफ, 73 इज द राइट आंसर, बी, ऑप्शन बी, ठीक है। हैबियस कॉर्पस जो है उसके थ्रू अनलॉफुल डिटेंशन किसी पर्सन का अगर हो जाता है तो आप उसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, सुंदा स्ट्रेट लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 74 का सही जवाब ऑप्शन बी है, जावा एंड सुमात्रा। क्वेश्चन नंबर 75, द ग्रुप ऑफ डांसर्स कॉल्ड ताई नंगाई आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, मोहिनी यत्तम। द ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरली और मोस्ट एबेंडेंटली इन द ट्रांजिशनल एरिया ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स कम्युनिटीज आर कॉल्ड, इसका सही जवाब ऑप्शन डी, एज स्पेसीज है। क्वेश्चन नंबर 77, गोल्डन रिवोल्यूशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, ऑप्शन सी, हॉर्टिकल्चर, सही जवाब। और लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। इन विच कंट्री इज़ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्रीविएटेड नेम एसोसिएटेड विद फूड सिक्योरिटी, तो 79 का ऑप्शन है बी, करेक्ट, PDS। और लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फाउंडेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी टू प्रमोट कोऑर्डिनेट एंड मेंटर द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स इन स्पोर्ट, ऑप्शन बी, वाडा, WADA। तो ये हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है ऑफिशियल आंसर की के थ्रू। अगर आपने इस साल का पेपर दिया है तो आंसर किसे मैच करिए, हमें अपना स्कोर बताइए, उसी से हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस साल की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। वैसे हर साल की तरह मुझे उम्मीद है कि कट ऑफ 50 के आसपास ही जाएगी, ना बहुत हाई ना बहुत लो, क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट ही है जैसे हर साल आता ही है। हम इसको थोड़ा टफ भी बोल सकते हैं, बट हाँ, मॉडरेट या फिर लिटिल टफ हम इसको बोल सकते हैं, उस रेंज में ये पेपर आएगा। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर आपको उस पेपर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर इसका PDF अपलोडेड है। इसी तरह से और सॉल्व पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी हम MA History का सॉल्व पेपर भी अपलोड करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आने के लिए शुक्रिया।